नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो हम लोग के बहादुर प्रधानमंत्री हैं। पहली बार मैंने देखा भारत के प्राइम मिनिस्टर को झुकते हुए किसी देश के धमकी के सामने। जनाब, आश्चर्य है, जब मैं अपने देश के बारे में सोचता हूं, चिंता जाहिर करता हूं, तो लगता है कि हम लोग सही माने में सिर्फ जनता के भरोसे हैं। जनता भगवान है, सच्चाई है, मेहनत कश है, और हम लोग एक आदमखोर हैं, कसाई हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोनिचीन दवाई जो मलेरिया की है, आप जाइए, आपको मैं हाथ जोड़ के विनती आग्रह करूंगा, बिहार के किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी ब्लॉक में, यदि आपको मलेरिया की दवाई मिल जाए तो फिर आप उनको फोन करिए। और मैं नीतीश जी और मंगल पांडे जी दोनों को चुनौती दूंगा कि भारत में जब जांच ही बहुत कम हुई, जिसमें 160 मौतें हो गई, लगभग जो हमारे यहां टेस्ट हुआ 1,35,000, जर्मनी में 1,35,000 टेस्ट हुआ और उसकी मौत की प्रतिशत है 0.3, और हमारे यहां कितने टेस्ट हुए, 50,000 भी नहीं, और उसमें से 5,000 लगभग कुछ पेशेंट हैं अभी, और 1,64,000 के लगभग मौत हो गई। आश्चर्य होगा आपको, आप परसेंटेज देख लीजिए, क्यों हुआ ऐसा कि जांच तो उन्होंने कर ही लिया, जांच के बाद उन्होंने चीजों को हमेशा नियमित कर दिया। हमारे यहां कोई नियमित चीज नहीं है, जांच के बाद हमें क्वारंटाइन में रखिए, उसके बाद आप इसको नियमित, डॉक्टर्स के हैं, नर्सेस के हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मैं उस पे आऊंगा। जब मलेरिया की दवाई मेरे यहां नहीं है तो फिर ये दवाई अमेरिका को क्यों भेजा जा रहा है? आप को ज्यादा है, सरप्लस है, आप मदद करिए। हम हमेशा दुनिया को देने वाले में से रहे हैं, देंगे, लेकिन पहले हम अपने गरीबों की पेट, उसकी जिंदगी तो बचा लें, उसके बारे में तो सोच लें। और दूसरी बात, मैंने कल भी कहा था और आज जब मंगल पांडे जी का जब एक बयान आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मंगल पांडे जी, आपके यहां जांच कितने हुए हैं? आप पहले उस पे आइए। आपके यहां जांच हुए हैं कितने? प्रतिदिन कम से कम 25,000 टेस्ट होना चाहिए और अभी तक 3,500 टेस्ट हुआ है। बिल गेट्स ने आज 15,000 किट्स भेजे हैं बिहार को, जो मैंने सुना। 4 लोगों का टेस्ट भी बिहार में, 10 लाख में 4 लोगों का भी टेस्ट नहीं हो पाया। ऐसे में कैसे बचेगा बिहार? 12 करोड़ लोगों की रक्षा कैसे होगी? क्या हम आज भी भाग्य, किस्मत और भगवान के भरोसे जिएंगे? नीतीश जी, अशोक गहलोत से तो सीख लीजिए। राजस्थान में सबसे पहले भिलवाड़ा में ने देश में मॉडल बनाया और उसने हाय तोबा नहीं की नीतीश जी कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। आपके तरह, मोदी साहब की तरह, हर चीजों में मैंने 1 लाख दे दिए। क्या हम लोग बाप के घर से देते हैं? जनता के पैसे को दे करके मैंने दे दिए? क्या मैंने दे दिए, क्या दिए? सबसे प्रमुख हॉटपोस्ट माना गया था उस पर, भिलवाड़ा में पहले केस 19 मार्च को सामने आया, 20 मार्च को जिला में कर्फ्यू लगा दिया, 26 मार्च को 6,445 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन करने की सुविधा नहीं थी तो सारे होटल और हॉस्पिटल
का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और सबको क्वारंटाइन कर दिया। भीलवाड़ा में सिर्फ मेडिकल और दूध की दुकानें खुली रखी गई। राशन एवं अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रशासन लोगों ने घरों तक मुहैया करा, एक एक लोग, एक एक प्रशासन, पुलिस। बाकी दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों को एनजीओ एवं अन्य संगठनों के जरिए खाना नियमित रूप से मुहैया कराया जा रहा है। आज तक भीलवाड़ा में हर दिन औसतन 300-400 से 500 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। वहां कोरोना भीषण महामारी के रूप में अख्तियार किया जा सकता था, कर्फ्यू लागू कर पूरे जिले को सील कर दिया, कहीं से भी न आना न जाना। 16,000 स्वास्थ्य कर्मी के जरिए 28,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग एवं जरूरत के अनुसार जांच हो गई। 16,000 को लगा दिया। परिणाम हुआ कि जिस भीलवाड़ा में सर्वाधिक आशंका थी वहां कोरोना के प्रभाव को सीमित कर दिया गया। भारत, स्पेन, इटली और अमेरिका बनने से अब तक बचा हुआ है, तो इसका श्रेय केरल की सार्वजनिक स्वास्थ्य को जाता है। केरल, केरल जहां 67-70% लोगों की मदद, लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है केरल में। पूरे भारत में 100% अभी जो खाना है वो नेट पर है, देखिए आप लोग, उसमें 70% पहुंचाया जा रहा है सिर्फ केरल में। और सबसे ज्यादा सुविधा आपको आश्चर्य होगा कि वो केरल में, और भीलवाड़ा ने दुनिया में इतिहास लिख दिया। यह चीजें हमको, मोदी जी को भी और हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं मोदी जी, हमें आज सबको मिलना पड़ेगा। हम कोई मैं नहीं करूं और एक होकर के काम करने की जरूरत है इस पर। अब जो स्थिति है मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री जी कहते हैं और उन्हीं का आप ही कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिली। डॉक्टर और नर्स सबसे ज्यादा आपके यहां आश्चर्य होगा, मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के पास टीटी फुट रेस्ट हेल्थ नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम होता है टीटीई, जो आपके पास नहीं है। फोन, कूलर, एसी नहीं चलाया जा सकता है कोरोना वायरस में। और डॉक्टर सबसे ज्यादा परेशान है, एएनएम, नर्सिंग डॉक्टर्स। आप टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन टैगिंग नहीं कर रहे हैं, नियमित जांच नहीं हो रहा है। पीपी सूट आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है? जब डॉक्टर्स आपके यहां से भाग रहे हैं, डॉक्टर्स हेलमेट पहन करके बच्चे के लिए जो बाथरूम पहन, जो हम लगाते हैं उसको कहा जाता है डॉक्टर्स पेपर, वो मुंह में लगा करके इलाज करते हैं डॉक्टर्स। अब 16-14 घंटे डॉक्टर्स काम करते हैं लेकिन उनको हेलमेट पहन के, गॉन नहीं है आपके यहां, नहीं टीटीई नहीं है, तो जरा आप हमको समझाइए आपके पास क्या क्या है। कल मैंने आपसे कहा था 122 मेडिकल अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। अब कल आपने सिविल सर्जन को बदली कर दी, कहा है आप 19 मरीजों का सैंपल लिया गया और डॉक्टर आपको छोड़ के भाग गए। 76 चिकित्सा पदाधिकारी 2 अप्रैल को 7 चिकित्सा पदाधिकारी काम पे नहीं जाए। 100 डॉक्टर नर्स की मौत, बिहार सरकार डॉक्टर को मनोबल बढ़ाने की जरूरत। बिना अनुमति के सारे डॉक्टर्स गैर हाजिरी हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा केरल जो 1 रुपया का राजस्व केंद्र सरकार को देता है उसमें से मात्र 25 पैसा ही उसे मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात, देश भर में 22,567 शिविरों हैं अभी, पूरे 22,000 लिख लीजिए, उसमें 15,541 शिविर केरल चला रहे, मतलब 70% 6,31,119 लोग शिविरों में रह रहे हैं।
टोटल, जिसमें 3,02,000 लगभग केरल के शिविरों में, आंकड़ा प्रतिशत लगभग 47.9। आपके यहां बिहार में क्या है? 2 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। मैंने कल भी कहा कि आपने मांगा 50,000 पीपी किट, आपको मिला 4,000। आपने 10 लाख मांगा N5 मास्क, आपको 50,000 मिला। 1 करोड़ मांगा आपने CPLY मास्क, आपको 10,000 मिला। वेंटिलेटर एक भी नहीं मिला आपको। और 10,000 मांगा RNA एक्सट्रेडिशन किट्स, तो आपको 250 मिला। अब आप हमको बताइए मंत्री जी, आज आपका बयान है कि सब कुछ ठीक है, आश्चर्य है, क्या ठीक है? जरा इसको समझने की जरूरत है। और इसको NMCH, PMCH, पीपी किट 200, PMCH में 0, NN5 लगभग किट में 800, PMCH में 300, 5 इशूज क्यूट। इस तरीके से आप उठा करके देखिएगा, DMCH में 50, SKMCH में 50, IGS में 0, JNMCH में 50, NMCH में 50, BMS में 50। अब सैनिटाइजर इशूज एक अस्पताल में 15, PMCH में 0, अन्य में 2, तीसरे में 3, दूसरे में 2, 2, 3, 3, VIM इशूज 0, एक में 50, उसके बाद टोटल में 0, जितने हॉस्पिटल है। हेडक्वार्टर्स 400 mg इशूज किट हुई 4,600, 3,000, 1,000, 2,000, 0, 1,000, 2,000, 500। अब आप हमको बताइए, 3 लेयर मास्क एक भी अस्पताल में नहीं है, एक भी। बेतिया का मैं बताऊं आपके पास पूरा, कहीं भी वेंटिलेटर नहीं है, लगभग ये सब चीजें किसी अस्पताल में नहीं है। अभी जस्ट ये मेरे पास आंकड़ा है, इसको आप भी देख सकते हैं सभी जगह। ये सारे आंकड़े हैं, इनके पास लगभग कुछ नहीं है।